हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किस प्रकार हुआ, इसका अर्थ क्या है और इसमें इसका परंपरागत प्रबंध से क्या अंतर है, यानी ये किस प्रकार से क्या ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट था उससे वैज्ञानिक प्रबंध किस प्रकार अलग है, और इसकी जो प्रमुख अवधारणाएँ जो हैं यानी क्या मान्यताएँ हैं जिस पर ये टिका हुआ है वैज्ञानिक प्रबंध, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं और उसके बाद में इसकी क्या खास विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। पहला जो इसका वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य है वो है संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को क्या है सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक प्राप्त करना, यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को क्या है कुशलतापूर्वक और सफलता से प्राप्त करने का प्रयास करता है। दूसरा है सभी प्रकार के जो संसाधन हैं जैसे मशीन है, पूंजी है, मानव है, तकनीक है, उनको क्या है सदुपयोग सुनिश्चित करना, यानी मानवीय और भौतिक संसाधन जो हैं उनका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करना। तीसरा इसका उद्देश्य है कि कार्मिक जो हैं कर्मचारी जो हैं चाहे वो प्रबंधक हैं चाहे वो श्रमिक हैं मैनेजर हो चाहे लेबर हो उनमें क्या है एक मेंटल रिवोल्यूशन मानसिक क्रांति उत्पन्न करना, यानी मानसिक क्रांति का मतलब कि संगठन जो है या उद्योग जो है उसका जो उद्देश्य है वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, जिससे क्या है हमारे जो झगड़े हैं उनमें कुछ नहीं पड़ा, हम ज़्यादा ढंग से काम करें सहयोगपूर्ण तरीके से काम करें जिससे क्या है संगठन को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारे को भी फिर क्या लास्ट में प्रॉफिट होगा। तो ये एक क्या है मेंटल रिवोल्यूशन पैदा करना है। चौथा इसका उद्देश्य है कि कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना है। इसके अलावा यह वैज्ञानिक प्रबंध क्या है काम प्रक्रिया और जो टेक्निक है उनमें क्या है स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण को लागू करता है, यानी कोई चीज़ कितने समय में कितनी हो जाएगी कैसे हो जाएगी उसको क्या है समय के हिसाब से क्या है एक स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, यानी टाइम का प्रोडक्शन का गति का ये सारा तालमेल बिठाकर क्या है एक तय पैमाना तैयार किया जाता है कि ये इतनी चीज़ इस प्रकार से हो जानी चाहिए, तो उसको कहते हैं मानकीकरण। मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि अगर स्टैंडर्ड के अनुसार है तो वो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या है काम उसके काम करने का तरीका उसकी टेक्निक उनमें क्या है मानकीकरण को लागू करता है जिससे क्या है उत्पादन में तार्किकता का समावेश होता है। लास्ट उद्देश्य है इसका उद्यम में मालिकों और श्रमिकों के दोनों के हितों की रक्षा सहित सहकारिता का मार्ग प्रशस्त करना, यानी इस बात की भावना पैदा करना। ये मानसिक क्रांति से ही जुड़ा हुआ है कि चाहे वो मालिक है चाहे मजदूर है दोनों के हित क्या है जुड़े हुए हैं और आपसी सहयोग से ही क्या है वो अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है वैज्ञानिक प्रबंध के कुछ उद्देश्य हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएँ। वास्तव में F.W. टेलर जिनका पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है उनके द्वारा विकसित और जो प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध की जो विचारधारा है वो मूलतः विज्ञान की निश्चितता और कार्य के विश्लेषण व मापन में क्या है काम आती है। टेलर की मान्यता थी कि श्रेष्ठ प्रबंध जो है एक वास्तविक विज्ञान है, एक सिद्धांत या दृष्टिकोण के रूप में क्या है वैज्ञानिक प्रबंध की क्या है कुछ मान्य विशेषताएं हैं उनको हम क्या है देखते हैं। पहली खास बात यह है कि संगठन में प्रत्येक कार्य क्या है नियोजित ढंग से किया जा सकता है तथा नियोजन व्यवस्था क्या है करनी भी चाहिए, यानी क्या है काम की प्लानिंग होनी चाहिए। पहले खास बात इसकी क्या है विशेषता क्या है वैज्ञानिक प्रबंध की ये क्या है काम की प्लानिंग पर जोर देता है
और ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी विशेषता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में क्या है, तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित वैज्ञानिक विधियों और कार्य प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। यानी ऐसे कुछ सिद्धांत विकसित किए जाते हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके आधार पर जो काम करने की विधि जो है, जो कार्य की प्रक्रिया है, उसकी वैज्ञानिकता पर क्या है, बल दिया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि श्रमिकों और मानव के हितों के प्रति क्या है, ये वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, उदार है, और संगठन के अंदर क्या है, मानवीय विकास को क्या है, महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये क्या है, मनुष्य को क्या है, आर्थिक व्यक्ति मानता है, चाहे वो श्रमिक है चाहे वो मैनेजर है। वो कहता है वैज्ञानिक प्रबंध कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा उससे ही व्यक्ति क्या है, संगठन से जुड़ा रहेगा, ज़्यादा काम करेगा, और उससे ही उसका क्या आखिर में मानवीय विकास होगा। अगली विशेषता ये है कि ये जो विचारधारा है इस बात पर बल देती है कि संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण शक्ति और कौशल का प्रयोग करना चाहिए। यानी संगठन के उद्देश्य तभी प्राप्त हो सकते हैं जब मनुष्य मशीन सब अपने पूर्ण एफिशिएंसी और पावर के साथ क्या है, उसको क्या है, काम में लिए जाएंगे। इसके पश्चात अगली जो विशेषता है वो है संसाधनों के समुचित सदुपयोग और वैज्ञानिक आवंटन पर भी क्या है, ध्यान देना जरूरी है। यानी जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उपयोग हो सके, और जो संसाधन हैं चाहे वो मानवीय हैं चाहे वो भौतिक संसाधन हैं, उनका जो आवंटन है, बंटवारा जो है कि कौन सा काम किस संसाधन से किया जाएगा, ये जो आवंटन है वो भी क्या है, वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। अगली जो विशेषता है वो है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण के गुण वैज्ञानिक प्रबंध के आधार सिद्ध होते हैं। यानी काम का क्या है, वैज्ञानिक तरीके से बंटवारा होना चाहिए। जब एक व्यक्ति को क्या है, उसकी योग्यता के अनुरूप वैज्ञानिक आधारों पर काम दे दिया जाएगा तो वो क्या है, व्यक्ति उस काम को बार 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 करेगा तो उसमें क्या है, वो परफेक्ट हो जाएगा। तो विशेषीकरण जो है उसमें क्या है, डेवलप हो जाएगा। ये क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध के आधार पर क्या है, सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्य की गतिविधियाँ, प्रक्रियाएँ और कार्यों को क्या है, वैज्ञानिक आधार पर क्या है, माप कर उनका मानकीकरण या प्रमाणीकरण करना भी इसमें आवश्यक माना जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी काम है, प्रक्रिया है, तो उनको क्या है, गतिविधियों को क्या है, वैज्ञानिक आधार पर क्या है, मापन किया जाता है। मापन करने के बाद उसको एक तय कर दिया जाता है कि इतना काम इतने समय में होना चाहिए, तो उसको कहते हैं मानकीकरण या प्रमापीकरण। ये भी इसमें क्या है, करना ज़रूरी है। अगला जो है, संगठन या उद्यम में कार्यरत श्रमिकों को क्या है, प्रेरणात्मक मजदूरी देना भी क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है। प्रेरणात्मक मजदूरी का मतलब ये है कि आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि उसको क्या है, एक मानक तय कर दिया कि इतना काम आपको रूटीन में रोज़ाना करना ही है, और यदि उसमें वो ज़्यादा काम करता है तो उसको क्या है, ज़्यादा इंसेंटिव या लाभ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रेरणात्मक मजदूरी। अगली जो विशेषता है कि ये संघर्ष के स्थान पर क्या है, सहकारिता पर बल देता है। ये मैंने आपको मानसिक क्रांति के तहत बता ही दिया था कि परस्पर सहयोग से ही क्या है, संगठन के अधिकतम लाभ के उद्देश्य को क्या है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, सहयोग पर आधारित है। अगली जो विशेषता है, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा ये मानकर चलती है कि अधिकतर कार्य और उत्तरदायित्वों की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित होनी चाहिए। यानी पहले क्या था, जो परंपरागत प्रबंध था उसमें क्या है, ज़्यादातर काम क्या है, श्रमिकों को करना होता था, और प्रबंधक क्या है, उच्च वेतन प्राप्त करते थे और काम कम करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि मैनेजर जो, प्रबंधक जो हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय कर दी गई और श्रमिकों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई। यानी श्रमिकों के पास जो ज़्यादा काम था वो काम क्या है, अब कुछ काम क्या है, मैनेजर के पास आ गया। तो क्या है, एक काम और जो जिम्मेदारी है उनको क्या है, वैज्ञानिक आधार पर क्या है, बांट दिया गया। तो ये भी क्या है, इसमें किया गया। अगला जो है वो है कि नियंत्रित स्थिति में एवं उचित क्रम में क्या है, सुनियोजित कदमों में ये क्या है, बल देती है। यानी एक
सिस्टमेटिक क्रम होता है हर काम का, उसको क्या है ये अडॉप्ट करती है और स्थिति को क्या है ये कंट्रोल में भी रखती है वैज्ञानिक प्रबंध की विधि। तो इस प्रकार से क्या है हम लोगों ने आज वैज्ञानिक प्रबंध और उसके उद्देश्यों के बारे में देखा। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ मान्यताएं। वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ मान्यताएं हैं। पहली ये है कि औद्योगिक कुशलता में वृद्धि हेतु प्रबंध का ये उद्देश्य होना चाहिए कि श्रमिकों को वो क्या है ज़्यादा पारिश्रमिक दे और उत्पादन लागत क्या हो कम हो, ये टारगेट होना चाहिए, तभी क्या है औद्योगिक कुशलता प्राप्त हो सकती है। यानी लागत कम करो और उच्च पारिश्रमिक दो। अगली मान्यता है प्रबंध की समस्याओं के लिए प्रयोग तथा अनुसंधान आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या है प्रयोग किया जाना चाहिए मैनेजमेंट की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए। वैज्ञानिक आधार पर क्या है श्रमिकों को पदस्थापन हो और कार्य की दशाओं का क्या है मानकीकरण होना चाहिए। यानी कौन सा श्रमिक क्या कार्य करेगा इसका क्या है वैज्ञानिक आधार होना चाहिए और काम की जो दशाएं हैं उनका भी क्या है मानकीकरण यानी एक पैमाना होना चाहिए। अगली जो मान्यता है वो है निर्धारित या दिए गए कार्यों का मानकीकृत उपकरणों तथा सामग्री द्वारा निष्पादन कराने के लिए श्रमिकों को औपचारिक प्रशिक्षण और विशेष दिशा निर्देश देने चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि श्रमिक को काम करवाने के लिए विशेष प्रशिक्षण होना चाहिए और विशेष दिशा निर्देश होना चाहिए और उपकरण जो हैं सामग्री जो है वो भी क्या है मानकीकृत होनी चाहिए। अगला है कि श्रम संगठन की वैज्ञानिक व्यवस्था के आधार पर श्रमिकों और प्रबंधकों के मध्य क्या है मित्रतापूर्वक सहयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है वैज्ञानिक प्रबंध की ये कुछ मान्यताएँ हैं। इसके बाद में हम क्या है वैज्ञानिक प्रबंध जो है उसके योगदान के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम अगली बार क्या है उसकी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ये हम क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।